लो से चलेंगे, दो तीन पार्ट करेंगे इसके, दो तीन पार्ट में परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा, धीरे धीरे मुश्किल से मुश्किल सम कर लेंगे। देखो पहले परसेंटेज, परसेंटेज को क्या बोलते हैं, प्रतिशत, ठीक है। बस आपको दो चीजें सिंपल एक बार फ्रैक्शन में बता देता हूं मैं कैसे तोड़ते हैं। मैं बोल दूं 25% को क्या बोलूंगा, अब देखो 25%, अब 25 है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। मैं बोल दूं 25% की कमी हुई है, अब देखो 25% की कमी हुई तो क्या मतलब है, इस 4 में से 1 की कमी हुई है तो कितना आ जाएगा, 3/4। मैं ये बोल दूं 25% की वृद्धि हुई है तो 4 पे 1 की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, 5/4। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन में तोड़ के करेंगे इनको, ठीक है। बस एक बार मैं दो तीन बोलता हूं, वो देखना 25% कितने बराबर, 1/4 के, 20% कितने के बराबर, 1/5 के, 40% कितने के बराबर, 2/5 के, और 60% कितने के बराबर, 3/5 के, और भाई 75% कितने के बराबर, 3/4 के, और 80% कितने के बराबर, 1/4 के। तो इस तरीके से ये हमको याद करने हैं, ठीक है। वैसे बता दिया मैंने किस तरीके से तोड़ना है, भाई 20% बोला है तो 20% का मतलब क्या है, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। इस पे बोल दिया जाए 20% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब क्या है, 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना आ जाएगा, 6/5। अगर मैं बोल दूं 20% की कमी हुई है तो 5 पे 1 की कमी हुई है तो क्या हो जाएगा, 4/5। इस तरीके से सम करेंगे। देखो पहला सम करते हैं, पहला सम है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला मैंने, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैंने बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब कि जो ये बी की आय है ना, बी की आय मान ली मैंने 100, ठीक है, इससे 25% अधिक है तो 100 में 25 की अधिक होगी। देखो 100 में 25% की अधिक होगी तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो भाई कितने की कमी हुई, 25 की कमी हुई, क्यों, 125 में से 100 की गई तो कितने की कमी हुई, 25 की कमी हुई। तो हमको बताना क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत बतानी है हमको, तो कमी कितने की हुई है, 25 की हुई है, किस पे हुई है, 125 पे हुई है, 125 पे ही तो 25 की कमी हुई है, 100 पे थोड़ी हुई है, 100 पे तो वृद्धि हुई है, ठीक है। 125 में से कितने कमी हुई है, 25 की हुई है, तो क्या लिखेंगे हम नीचे, 125 की, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 20, तो क्या आंसर आ जाएगा, 20%, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, या फिर हम इसको, या फिर हम इस सम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो एक तो वर्दी का और एक है कमी का, या इसको हम बोल देंगे हानि का, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले याद करना चाहो तो फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। जहां पे वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए तो एक्स 100 माइनस एक्स, ठीक है, इनटू में 100। हानि प्रतिशत पूछा जाए एक्स 100 प्लस एक्स,
इन टू मेहेंडर, ये इनके फॉर्मूले अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। क्या है, अगर भाई वर्दी पूछा जाए, वर्दी में क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे 100 में से जो भी एक्स है। अगर कमी पूछी जाए तो कमी में क्या करेंगे हम, भाई घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे। बस ये याद रखना, वर्दी में क्या करेंगे हम घटाएंगे, और कमी में क्या करेंगे हम, हानि में क्या करेंगे जोड़ेंगे। किस तरीके से, देखो उसने बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो एक्स क्या आ गया हमारा, कमी बतानी ना, एक्स आ गया हमारा 25। तो क्या करना फिर, मैंने 100 अपॉन एक्स 25 इनटू में 100, तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 125, वही ऊपर वाला आ गया अपना 100, 25 एकम 25, 25 पंदे 125, ठीक है कितना 20, तो कितना आ गया 20% की कमी आ गई। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगला सम देखो, वही है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार क्या बताना मेरे को, अधिक बताना है। देखो बेसिक भी कर सकते हैं हम, ए और बी, तो बी मैंने क्या मान लिया 100, 100 से देखो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। अब 100 से 20 कम होगा कितना हो जाएगा, 80 कम हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या अधिक कितना है, अब देखो 100 से कितना अधिक है भाई, 80 से कितना अधिक है, 100 20 अधिक है, अधिक आ गया 20, तो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक का प्रतिशत का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितने अधिक है 20 है, किससे अधिक है 80 से अधिक है, 80 से अधिक है 20, तभी तो 100 हुआ। अगर कमी पूछता तो कमी किससे होती, 100 से कम है 20, ठीक है ये चीज याद रखना। तो क्या लिखेंगे हम नीचे, हम 80 और इनटू में 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 4 से 100 को कट करेंगे हम कितना आ जाएगा 25, तो क्या आंसर आ जाएगा 25%, क्या आ जाएगा 25%। अगर आप किसी को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे, अधिक का प्रतिशत के में क्या करेंगे हम, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू में 100। अब देखो एक्स कितना 20%, 100 में से 20 गया कितना 80 इंटू में 100, वही चीज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। आपकी इच्छा है, आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आगे देखो, देखो आगे अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है जिससे उस वस्तु की खपत में 30% की कमी होती है या कम कर दिया जाता है, तो बताइए कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय मतलब कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, इस प्रश्न को मैं 100 ट्रिक से भी करवाऊंगा, पर पहले इसकी मैं डिटेल करवाता हूं। ठीक है, वो डिटेल सभी सब में जो आगे आएंगे उनमें आपकी काम आएगी। ठीक है, देखो इसने एक तो बात की मेरे से मूल्य की, ठीक है, और एक बात की है मेरी से खपत की, और पूछा क्या है खर्च। अब देखो मान लो ये मूल्य है हमारा, मूल्य हो गया और ये खपत हो गई, मूल्य की और खपत की गुणा कर दूं मैं आपस में तो क्या हो जाएगा, खर्च के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, मूल्य की और खपत की आपस में गुणा कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, खर्च के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लिया मैंने मूल्य, लेट करके मैं खुद मानता हूं भाई 100 रुपये के जी है, कितना 100 रुपये के जी, खपत है 100 के जी,
टोटल खर्च कितना हो जाएगा, इन दोनों की गुना करूंगा तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अब उसने बोला किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य तो ये है, अब इस मूल्य में 40% की वृद्धि होएगी तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे बोला जिससे उस वस्तु की खपत में 30% कम कर दिया जाता है, खपत क्या है, खपत ये है भाई, अब इसमें 30% कम कर दिया जाता है, अब 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी वही बात, पहले जब मैं मेरे पास 100 100 थी तो 10,000 था, अब 140 और 70 है तो अब देखते हैं हमारा खर्च कितना आता है, यह आता है हमारा 9800। ठीक है, तो उसने बोला तो मासिक व्यय में, मतलब कि खर्च में, खर्च तो ये हो गया हमारा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो वृद्धि तो हो नहीं सकती, क्यों, पहले मेरे पास 10,000 था, अब मेरे पास 9800 है, तो आप खुद बता सकते हैं कि कमी हुई है, कितने की कमी हुई है भाई, 200 की कमी हुई है, प्रतिशत में निकाल लेंगे तो अपॉन में 100, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 2% की कमी हुई है। तो जो बेसिक मैंने बताया है आपको ये याद रखना है, इस तरीके से हम आगे काफी सम करेंगे। ठीक है, अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो इस प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से भी कर सकते हैं, आगे अगर कहीं पर भी मिले आपको कोई 40, पहले 40% बढ़ा दिया फिर 40% बढ़ा दिया, बताओ वृद्धि या कमी कितनी हुई, या फिर पूछ ले भाई पहले 20% बढ़ा दिया फिर 30% घटा दिया, कितनी वृद्धि या कमी हुई, उन सभी के लिए एक फॉर्मूला याद करना आपको, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में बोला भाई पहले 40% की वृद्धि हुई, एक्स कितना है 40, वृद्धि हुई, वृद्धि के लिए तो प्लस ही होता है। ठीक है, फिर बोला उसने जिससे उसकी खपत में 30% की कमी हुई, कमी के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस 30। ठीक है, यहां पर फिर प्लस माइनस, ठीक है, अब देखो 40 माइनस 30 अपॉन 100, अब 30 तो माइनस का है, ठीक है, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 40 में से 30 गया 10, 4 3 12, पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, तो कितना आ गया, -2, तो मतलब क्या हुआ, -2 का 2% की कमी हुई। ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से भी जो ये सम है डायरेक्ट कर सकते हैं, पर बेसिक ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगली टाइप देखते हैं, अगला सम देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है जिससे उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय, मासिक खर्च 20% बढ़ा दिया जाता है यदि प्रारंभ में उस वस्तु की खपत, मतलब कि बोल रहा है ये शुरू में अगर उस वस्तु की खपत जो है वो 60 kg रही तो अब उस वस्तु की खपत कितनी है। अब की बार इसने क्या दे दिया, खपत भी मेरे को खुद दे दी, अब की बार हमको मानना नहीं है, खपत उसने मेरे को खुद दे दी। अब देखो अगर आपको बेसिक याद है, बेसिक में क्या था, मूल्य खपत इक्वल खर्च था ही। अब उसने बोला मूल्य हमारा क्या, मैंने मान लिया 100 रुपये के, ठीक है, खपत उसने मेरे को खुद दे दी है, कितनी दी है ये दे रखी, देखो उस वस्तु की प्रारंभ में खपत, शुरू में तो स्टार्टिंग में है कितनी, 60 kg, तो खर्च कितना हो जाएगा, 6,000 हो गया। ठीक है, अब आगे बोलता है ये किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है, अब इस मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है, अब देखो
100 से 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, जिससे उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय खर्च में 20% बढ़ जाता। अब उसने बोला जो मासिक व्यय है, मासिक खर्च, खर्च तो हमारा ये है, ये भी 20% बढ़ जाता है। अब इसको 20% में बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? देखो बढ़ाते किस तरीके से, 20% मान लो 6,000 है, 6 का 20% बढ़ाऊंगा तो 20/100 डायरेक्ट, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया? 1200। मतलब कि क्या बोला इसने, 6,000 से 1200 और बढ़ गया। ठीक है, या फिर इसको आप डायरेक्ट करोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 6,000 है, 20% बढ़ गया, 100 से 20 बढ़ा कितना? 120/100, 0 से 0, 0 से 0, 0 0 12 6 72, ये डायरेक्ट 7200 आ गया। अगर इस तरीके से करोगे तो 1200 आ गया। मतलब क्या, 6,000 में 1200 की और वृद्धि हो गई तो कितना आ गया? ये 7200। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर देखो भाई, उसने मूल्य में बता दी 40% की वृद्धि हुई, मैंने लिख दिया, खर्च में भी बता दिया 20% की वृद्धि हुई, मैंने लिख दिया, खपत का तो उसने जिक्र ही नहीं किया, ओनली ये बताया है जो पहले खपत थी वो 60 kg थी, तो अब के लिए मैं मान लेता हूं इसको एक्स, अब के लिए मैं क्या मान लेता हूं? एक्स। अगर अब मूल्य की और खपत की गुना कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? खर्च के बराबर हो जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर आप सभी को पता है तो देखो, 140 की और एक्स की गुना करूंगा तो 140x, और कितना है ये मेरा? 7200। 0 से 0, ठीक है, एक्स इक्वल 720/14। अब इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 51/3/7 kg। क्या आ जाएगा? 51/3/7 kg। ठीक है, तो उसकी, तो अब उस वस्तु की खपत कितनी होगी? ये खपत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, कट कर सकते हो भाई। देखो 2 3 6 2 6 12 0 2 14। अब देखो 7 5 35 लिख दिया, यहाँ बच गया 1 10, 7 1 7, 3/7। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला सम देखते हैं, तो अब उसकी पहले खपत कितनी थी? उसकी 60 kg, और अब कितनी है? 51/3/7 kg। ठीक है, देखो अगला सम है, चीनी का मूल्य 20 रुपये kg से कम होकर 15 रुपये kg हो जाता है। ठीक है, यदि चीनी पर होने वाला मासिक जो खर्च है वे अपरिवर्तित हो तो, मतलब कि बदले ना, तो बताइए कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। तो क्या पूछा उसने? खपत में वृद्धि कर दी गई पूछा है। अब देखो इसको मैं 100 ट्रिक से भी करवाऊंगा, पर पहले जो मैंने वो बेसिक करवाया था, सभी सम उस बेसिक से भी हो जाएंगे इस तरीके से। देखो पहले बेसिक बताता हूँ फिर 100 ट्रिक। हमको पता है कि भाई मूल्य इनटू खपत किसके बराबर होता है? खर्च के बराबर होता है। ठीक है, तो उसने बोला चीनी का मूल्य, मूल्य कितना है? 20 रुपये kg। ठीक है, 20 रुपये kg से कम होकर 15 रुपये kg हो जाता है। बाद में यही मूल्य कितना हो जाता है? 15 रुपये kg हो जाता है। खपत में नहीं लिखना है, ये दोनों बार मूल्य की बात की गई है, याद रखना है। तो मूल्य की बात की गई है, तो पहले मूल्य 20 था फिर 15 था। ठीक है, खपत मैंने क्या मान ली स्टार्टिंग में? 100 भाई। ठीक है, और खर्च करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, दूसरी बार मूल्य की तो बता दी, उसने बोला अपरिवर्तित रहे, मासिक खर्च बदले ना, मतलब कि मासिक खर्च बदले ना, तो खर्च पहले भी 2000 था और अब भी 2000 है, क्योंकि इसने स्टेटमेंट में बोल दिया है ये बदले ना, तो ना बदले तो एज इट इज रहेगा, पहले भी 2000 था अब भी 2000 रहेगा। ठीक है,
तो खपत को मैंने क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो 15 इन दोनों की गुणा करूंगा तो 15x आ जाएगा, और इक्वल में 2000, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा कितना, 400/3 आ जाएगा x की वैल्यू। कैसे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो 400/3 आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है, तो वृद्धि कर दी गई पूछा है, तो 100 में से वृद्धि होगी, तो 100 से वृद्धि होगी, तो क्या करूंगा, देखो 400/3 मैं -100 कर दूंगा तो मेरे को वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा अपॉन में 1, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 का 3, ठीक है, 400 - 100 कितना हो जाएगा, ये 300/3। ठीक है, अगर मैं सॉरी सॉरी ये 300 हो जाएगा यहाँ पे, 100/3 इसको सही में तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, देखो बेसिक हमारा वही चलता रहा है यहां तक, आगे तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ये चीज जिसने कर ली आगे तो आपको कैलकुलेशन करनी है भाई, गुना घटा जो भी है। ठीक है, वही करना। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो मैंने मूल्य की कमी प्रतिशत निकाली स्टार्टिंग में, कितनी हुई भाई, शुरू में मेरे पास मूल्य की कमी हुई 5, 20 थी पहले, 5/20, देखो 20 से मैं 15 हुआ तो कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई, तो वो मैंने लिख दिया 5, बी किससे कमी हुई, 20 से कमी हुई, इनटू में 100, तो 20 × 100 कितना आ गया, 25। कमी प्रतिशत कितना आ गया मेरा, 25% आ गया। ठीक है, तो उसने पूछा कितना, वृद्धि प्रतिशत पूछा, तो दूसरी बार मैं क्या निकालूंगा, वृद्धि प्रतिशत निकालूंगा। तो देखो वृद्धि कितने की हुई हमारे पे, 25 की हुई। ठीक है, अब देखो अपॉन में कितने प्रतिशत कमी, 25 कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, इनटू में 100, 25 × 1 = 25, 25 × 3 = 75, कितना आ गया, 100/3। वही चीज आ गई जो हमने नीचे कर रखी है। अब आप ये बोलोगे ये कैसे हुआ, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा, एक्स अपॉन 100 - x वृद्धि में करते हैं इनटू में 100। तो अब की बार हमारा एक्स क्या आया है, ये 25x आया है, तो वही एक्स का एक्स 100 में से 25 गया 75 × 100। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाया जो वृद्धि और कमी का बताया था। ठीक है, इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं, या फिर आप करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखो अगला सम, अगले सम में बोल रहा है ये, ताजे फल में 80% जल है, इंपॉर्टेंट है ये, ताजे फल में 80% जल है जबकि सूखे फल में 40% जल है, टोटल 100 किलोग्राम मतलब कि 100 kg ताजे फल से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। इसको पहले मैं बेसिक से बताता हूं फिर ट्रिक से बताता हूं। देखो मान लो ये मेरे पास सूखा फल है, ताजा फल है, और ये मेरे पास सूखा फल है। ठीक है, तो कितने केजी है मेरे पास, 100 केजी है। अब इसने बोला इसमें 80% तो जल है, वाटर कितना, 80%, तो मैं 80% को 80 केजी मान लेता हूं। ठीक है, 80 केजी। अब देखो 100 में से 80 तो वाटर हो गया, तो जो सोलिड है, जो पदार्थ है, फल है, वो कितना बच गया, सोलिड 20 केजी बच गया भाई, 80 केजी तो जल हो गया, 20 केजी सोलिड हो गया। ये मेरे बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो सूखा फल, सूखे फल में उसने बोला भाई 40% जल है, सूखे फल में जल कितना, 40%। ठीक है, लगा लिया मैंने, 100% में से 40% जल है।
और जो सॉलिड बच गया वो सबको पता है 60% बच गया। सॉलिड कितना बच गया? 60% बच गया, क्योंकि टोटल 100% होता है, ठीक है। पर परसेंट तो 60 ही बचा है, पर जो केजी है वो 20 ही रहेगा। 20 क्यों रहेगा? देखो, क्योंकि सूखे फल में पानी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूखे फल में पानी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो ये सॉलिड है ये 20 का 20 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जो ये पदार्थ है ये नहीं बदलेगा, बस परसेंटेज बदलेगा सूखे फल में, ठीक है। तो अब देखो निकालेंगे तो कैसे करेंगे। 60% किसके बराबर? 20 के बराबर। 100% निकालते हैं तो जो चीज़ मेरे को निकालनी होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में लेते हैं। तो मेरे को 100 निकालना है, 20/60 इंटू में 100 मेरे को निकालना है, तो गुना में कर दूंगा। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा? 100/3, 33 ही 1/3% आ जाएगा। क्या पूछा है? कितने फल बनाए जा सकते हैं? तो केजी आ जाएगा, 33 से 1/3 केजी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था हमारा बेसिक। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहोगे तो ट्रिक से कैसे करोगे? देखो सीधी बात है भाई, 100 केजी ताजे फल से मेरे को सूखे फल प्राप्त करने हैं, तो टोटल मेरे पास कितना है? 100 है, ठीक है। तो मैं एक बार तो जो इसने कम दिया है कम कर लेता हूं, और दूसरी बार भी जो इसने कम या ज्यादा दिया है वो कर लेता हूं। ये टोटल हमारा केजी आ जाएगा। जैसे कि 100, तो 100 में से कितने प्रतिशत? 80% तो जल है, तो 100 में से मैं पहले 80 लेस कर देता हूं, ठीक है। फिर 40% जल है, फिर दोबारा फिर मैं 100 में से 40 लेस कर देता हूं, तो ये निकल के हमारे पास आया 100 मल्टीप्लाई में 20/60। देखो जो हमने यहाँ निकाला था 60 और 20, तो इन्हीं का जो चक्कर था वही रह गया था, तो वही चीज़ यहाँ पर आई है और वही चीज़ यहाँ पर आई है, तो इनको कट करूँगा तो वही आ जाएगा 33 ही 1/3 kg/kilo, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, किसी देश की जन्म दर प्रति हजार 32 है और उसी देश की मृत्यु दर प्रति हजार 14 है। जन्म दर कितनी है? 32, और मृत्यु दर कितनी है? 14। तो बताइए कि उस देश की जनसंख्या में वास्तविक वार्षिक वृद्धि कितनी है? देखो मैं देख लेता हूं कितना, सबसे पहले तो प्रति हजार, मैं हजार लिख लेता हूं भाई, ठीक। फिर मेरे को दो चीज दी उसने, एक जन्म लिख लिया और एक मृत्यु लिख दिया, लिख दिया। अब देखो जन्म तो है 32 और मृत्यु है 14, तो जन्म दर में वृद्धि ही हुई, क्योंकि जन्म तो ज्यादा लेते हैं मरते कम है, तो कमी तो हुई नहीं, वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो कितने की वृद्धि हुई? देखो 32 में से 14 को लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 18। तो कितने की वृद्धि हुई? 18 की वृद्धि हुई। अगर खाली पूछता है तो 18 की, पर उसने पूछा क्या? वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो वृद्धि प्रतिशत बताएंगे तो हम कितने की वृद्धि हुई? 18 की। तो प्रति हजार, हजार नीचे, इंटू में जो निकालना होता है 100%, तो 100 मल्टीप्लाई में, तो इसको इसको मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.8%। कितना आ जाएगा? 1.8% की वृद्धि हुई। तो इस सम को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं।